नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। साधना न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसके शायद हम परिचय भी करें तो परिचय की वो किसी मोहताज नहीं है। शायद परिचय आपको बताएंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। आप सभी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, काफी फेमस भी है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और ऐसे में इंस्टाग्राम तो सबसे ज्यादा वायरल चीज देखी जाती है। इंस्टाग्राम में जैसे जैसे आप रील्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी रील्स जो है आपको दिखाई पड़ती है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनकी रील्स को पूरा ना देखें, क्योंकि ये यातायात के नियमों का जिस प्रकार अपनी भाषा में जो है नियमों का पालन करवाते हैं और जिस तरीके से एक जागरूकता वाला संदेश देते हैं, वाकई वो तारीफ़ काबिल है। हमारे साथ मौजूद है पीके मस्त जी जो कि प्रवीण कुमार है। पीके मस्त जी, आपका साधना न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है जी। देखिए, हम आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि यातायात के नियमों का आप किस तरीके से पालन करवाते, एक प्रभावशाली संदेश जो है कहीं ना कहीं जन जन को देते हैं। ऐसे में ये जो प्रभावशाली संदेश आप अपने तरीके से देते हैं, एक अजीब ही तरीके से देते हैं, मतलब खुशनुमा सा माहौल हो जाता है जब आप इस प्रकार के संदेश देते हैं, तो ये संदेश या फिर ये जो आइडिया है वो आपके मन में कब आया और कैसे आया? आपको कैसे लगा कि इस प्रकार अगर मैं संदेश दूंगा जन जन को तो जल्दी वो इस बात को ग्रहण करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2 साल पहले मेरे को जयपुर में ट्रैफिक अवेयरनेस का इंचार्ज लगाया था, तो उसका काम ही यही होता है कि भाई सोशल मीडिया पे जाओ, टीवी चैनल्स पे जाओ, स्कूल कॉलेज होटल हॉस्पिटल जहाँ भी भीड़ भाड़ हो वहाँ जाओ और अपन ट्रैफिक नियम बताओ जी। तो मेरे को उन्होंने कहा कि भाई तुम बोलते ठीक ठाक हो तो लोगों तक ह्यूमर से भी बोला करो, उनको अपनापन लगना चाहिए। तो मेरे को मैंडेटरी था कि भाई 200 वीडियो तो आपने बनानी है जी। तो शुरू मुझे लगा यार अजीब टास्क है ये, है ना। फिर लोगों के पास जाके, रोड पे जाके हमने कोशिश की, स्कूलों में बोले, कॉलेजों में बोले, बच्चों में बोले, बड़ों में बोले, तो लोगों को अच्छा लगा, तो बहुत बढ़िया फेमस होते गए धीरे धीरे। नहीं, अच्छा लगने वाली आपने बात कही कि थोड़ा मुश्किल टास्क था आपको शुरुआत में, ऐसा लगा होगा कि यार मैं कैसे करूंगा, कहां फंस गया हुआ कोई चला के कहता ना ये करो आप, तो फिर अजीब लगता है। बिल्कुल, चैनल पे जा क्या बोलेंगे। अब हंसी मजाक तो अलग चीज थी, कविताएं करता था मैं, लाफ्टर तो पर कुछ सिंसियर बात बोलने में थोड़ा यूं लगता था, पर जब हंसी के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो वो अच्छी से जाती है। बिल्कुल। देखिए, एक ये भी बात होती है कि जनता के मन में पुलिस अधिकारी को लेकर या ट्रैफिक पुलिस को लेकर एक अजीब ही छवि बनी हुई होती है, उनको लगता है कि ये रोकेंगे, ये टोकेंगे और चालान पेश करेंगे, चालान करेंगे, सब करेंगे। लेकिन आप अपनी कविता के माध्यम से उन्हें अलग ही तरीके से संदेश देते हैं और कहीं ना कहीं इस संदेश को वो ग्रहण करके यातायात नियमों का पालन भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जब मैं बोलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अपनापन से बोलना चाहिए। और जैसे अपने घर के फैमिली मेंबर को कोई रोक के कुछ समझाएगा, बताएगा, है ना, पनिश भी करेगा या कुछ चालान वालान भी करेगा, तो उसको समझा के तो करो कि क्या है। पहले पता ही नहीं होगा, आप डायरेक्टली उसको बिहेव कर दोगे, तो बिहेवियर पहले होना चाहिए फर्स्ट क्लास, ताकि लोग आराम से कटवा लेते हैं। फिर चालान भी होगा, साहब मैंने गलती करी है तो मुझे काट भी दो आप। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व इसमें बहुत मायने रखता है। लेकिन जरूरी नहीं है पीके जी कि हर जो है अधिकारी इसमें सफल हो जाए और हर अधिकारी का जो संदेश है वो जनता तक पहुंचे। आपने इसको कैसे आगे तक बनाया, कैसे आप इसमें फले फूले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान पाते हैं, और ऐसे में आप कैसे समझ पाए कि सामने वाला व्यक्ति इस ही बात से या इस तरीके से सहमत होगा? वो तो फेस रीडिंग हो जाती है कि कई आदमी चला के मजाक करने लग जाते हैं, तो उसको लगता है कि मजाक के अंदाज से समझेगा। कई सिंसियर होते हैं तो उनको सिंसियर बात करी जाती है, तो बोलो फेस रीडिंग काफी मायने रखती है। और फिर जब अपनेपन से बोलोगे, उसकी केयरिंग की बात करोगे, भलाई की करोगे, तो उसके मन तक जाएगी, फिर वो आपसे सहमत होगा। आप फेस रीडिंग भी कर लेते हैं और उसी हिसाब से बिल्कुल जनता को जागरूक करते हैं। ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि कई बार क्या होता है कि आपके संदेश जनता तक पहुंच जाते हैं और वो जागरूक भी हो जाते हैं, तो उस दरमियान आपको कितनी खुशी होती होगी, चलिए मैंने किसी को तो अपने संदेश के माध्यम से बहुत जबरदस्त खुशी होती है, क्योंकि जैसे आपने समझा इससे कोई जान बच जाती है तो वो फिर घूम के आता है, 5 किलोमीटर भी घूम के आएगा, ढूंढता रहेगा, साहब मैं 2 महीने से ढूंढ रहा था, आपने उस दिन हेलमेट की कही थी, मैंने लगा लिया तो मेरी जान बच गई, तो वो हमेशा के लिए एक घर का सा सदस्य बन जाता है आपके साथ।
और दुख सुख में जब भी कोई बात होगी, कोई भी चीज आएगी, तो सबसे पहले आपके साथ खड़ा मिलता है और वो लोगों को आपकी उस मुहिम को भी आगे बढ़ाता है। जैसे वो खुद को समझाएगा कि सर ने बताया था तो 50 लोगों को, मैं भाई तुमने यही करना, 100 लोगों तक बताओ ये बात। बिल्कुल, मैंने रील्स में देखा है आप यमराज शब्द का भी उपयोग करते हैं, मतलब इसका क्या तात्पर्य, कैसे आप उनको रोकते हैं? वो तो क्या कि हमने स्लोगन लिखते हैं ना, मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। तो वो उस स्लोगन कई बार ध्यान आ जाता है जहन में बात करते करते, जैसे किसी से बात की भाई आप ढंग से नहीं करोगे तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, घर वाले ही नहीं दूसरे घर वाला भी, सबसे बड़ा घर वाला है यमराज भाई। बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखिए, यातायात नियमों की पालना करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को लगता है कि ये एक अहम मुद्दा भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं आमतौर पर सड़क हादसे सबसे ज्यादा होते हैं और मुख्य तौर पर सड़क हादसे कहीं ना कहीं तेज रफ्तार के कारण होते हैं और वाहन चालक ये भूल जाता है कि हमारी तेज रफ्तार से मुझे ही नहीं सामने वाले को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में उन तेज रफ्तार वाले वाहन चालकों को आप कैसे एग्री करते हैं, कैसे सहमति दिलाते हैं कि जागरूक हो जाइए, मेरे संदेशों पर ध्यान दीजिए, यातायात नियमों की कैसे पालना करवाते हैं? जैसे अभी आपने इतना लगातार बोला तो क्या होता है कि लगातार ऐसी तेजी बना के रखते हैं। सहजता बड़ी जरूरी है जी रोड पे हो जी बोलने में, कि कौन सी बात कैसे कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, तो बात भी सुनी जाती है और सहजता से। अटल जी की शैली देख लो या किसी भी सक्सेसफुल आदमी की, जैसे आप कॉमेडी में देखो तो गुत्थी बनता कितना सहजता से करता है। फास्ट चीज है ना, वो हर जगह नुकसान देगी, चाहे फास्ट फूड हो, है ना, चाहे फास्ट डिलीवरी हो, क्रिकेट में हो, चाहे कहीं भी, तो गति भी तेजी यही होती है, रोड पे भी यही दिक्कत आती है। तो तेजी में सहजता से कई चीजें मॉड्यूलेशन होती है, आवाज भी चेंज कर सकते हो आप, अपने कोई संवेदना भाव भी प्रकट हो सकते हैं। लगातार जैसे रोड पे आप वो रहोगे तो अपन हर जगह कभी रुका, कभी ब्रेक मारा, कभी धीरे, ये चलता रहता है। बिल्कुल, ये जीवन में चलता भी रहता है और कहीं ना कहीं हमारा हमारी जो शैली होती है वो भी प्रभावशाली होती है कि हम किस तरीके से, किस लहजे में सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हैं या समझा पा रहे हैं, वो भी चीज मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऑरा हो जाता है फिर, जैसे आप जैसा बोलते हो, जैसे आपकी पर्सनालिटी होती है तो लोग खींचे आते हैं उसके साथ। सही कहा। और वो ही जरूरी है कि आप किसी समझाए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि वक्ता को वो सुने तो सही, अगर वो आपको देखते ही चल देगा कि यार ये तो इससे तो सुनना ही नहीं। बिल्कुल, और यही चीज जैसे मान लो शक्ति कपूर साहब को लगा दिया जाए ट्रैफिक अवेयरनेस में तो लोग कहे छोड़ यार ये कोई मरवाएगा तो, और मान लो वही चीज किसी दूसरे सौम्य एक्टर को दे दी जाए, नहीं मान लो गोविंदा जी कुछ कहेंगे यार कुछ बताएंगे इंटरेस्टिंग, तो वो पर्सनैलिटी वैसी दिखानी पड़ती है या होती है जैसी। एक अहम सवाल और सर, आप देख सकते हैं कि आजकल आए दिन जिस प्रकार हम देखते हैं साधनों की हम बात करें तो हर व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी पर नीली लाल बत्ती से लगाकर घूमता है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति वीआईपी बनता घूमता है, ऐसे में उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे या कैसे रोकने का प्रयास करते हैं? जैसे अपन बच्चों को भी कहते हैं ना कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे या ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो हर आदमी की एक चाहत थी कि एक प्रेस्टीज पॉइंट था कि आप बत्ती की गाड़ी में आओ तो कोई आप या तो अफसर होंगे या कोई बड़े आदमी होंगे कुछ होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बत्ती वाली कल्चर भी गायब हो गई। लेकिन रोड पे जो बत्तियां लगी है वो कल्चर कभी गायब नहीं हो सकती, उसको गायब कोई करेगा तो खुद ही गायब। क्योंकि बत्तियां होती हैं तीन, रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। क्या बात है? और अपन जयपुर में है तो जयपुर में बत्तियां होती हैं पांच, पांच बत्ती का शहर है ये, तो तीन तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, पांचवी मोमबत्ती। तो ये जरूरी है बत्तियों का ध्यान, है ना, दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए, किसी को बत्ती नहीं लगानी चाहिए। तो ये ह्यूमर का एक वो है कि उस किसी शब्द विशेष को पकड़ के उस पे खेला जाता है। क्या बात है, वाकई मुझे खुद को भी नहीं लग रहा कि हम एक साक्षात्कार में बैठे हुए हैं। एज ए नॉर्मल तरीके से आपने जिस तरीके से बातें की तो अच्छा लगा, कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिलता है। मैंने पूरे इंटरव्यू में देखा आपके चेहरे पर स्माइल रही, तो ये आपने पीके मस्त नाम भी क्या इसी की वजह से रखा? नहीं, मेरा नाम परवीन कुमार है, पर पीके मस्त फिल्म आई थी तो उस समय वो सब कहते थे कि मस्त से इसे आप करते हो परफॉर्मेंस,
एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी थी कि भाई रियल पीके इन जयपुर, तो वो उससे अच्छा हिट होगा। मेरे 70-80 इंटरव्यू हो गए थे बड़े बड़े चैनलों। अच्छा, तो पीके मूवी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी सिद्ध हो गई, कारगर सिद्ध हो गई। और उसके बाद काफी मतलब लोगों में पीके मस्ती ट्रेंड चल पड़ा, जैसे परवीन कम ही लोग जानते हैं। राइट राइट। अच्छा, आपने जिस तरीके से बताया, आपने क्या सीखा पीके मूवी से, क्या सीखा? चूंकि आपने पीके मूवी से भले ही नाम लिया हो, लेकिन आपने कुछ सीख भी तो ली होगी उस मूवी से। बिल्कुल, हर चीज से सीख लेते हैं। और आमिर खान साहब तो परफेक्टनिस्ट है, हर चीज ही कोई ऐसी बनाते हैं, उसमें कोई भी सीन देखो हर सीन सिखाता ही आपको। लेकिन पहले वाला रेडियो वाला सीन नहीं सीखना चाहिए, कपड़े पहन के कभी आप स्विमिंग पूल में कूद जाए तो ऐसा नहीं। उसमें कई चीजें थी, हर विषय को छुआ उन्होंने, चाहे रिलीजन का विषय हो, चाहे आतंकवादी वालों ब्लास्ट भी हो जाता है उसमें, कई सारी चीजें कल्चर भी दिखाई, तो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को अच्छी थी। हर सीन अपने आप में लाजवाब था। और इतनी सारी बातें सीखने के बाद अगर वो सारी बताएंगे तो इंटरव्यू सीखने भी चला जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ भी अगर हम चीज देखते हैं, फिर वो चाहे मूवी हो या एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग भी देखे, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है, नहीं तो जो बुद्धि होती है या ज्ञान होता है वो बादाम खाने से नहीं आता, वो बछड़े खाने से आता है। तो रोड पे अगर किसी ने बछड़े टक्कर खा ली तो समझ लो फिर उसके लिए मुसीबत ही मुसीबत। बिल्कुल, ये बात कही भी जाती है। शुरू में कितना अच्छा चलता है ना, कि बिल्कुल ऐसा चलता है जैसे मॉडल चलता है, फिर बाद में ऐसा चलता है जैसे दुर्योधन का रोल मॉडल चल रहा हो ना, भौंजे लहरा के चलेगा। क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन है और जरूरी नहीं है कि मनुष्य जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, सुख दुख दोनों साथ चलते हैं और जाहिर सी बातें आते भी हैं। दुख के घड़ी में भी हम कहीं ना कहीं जो है अपने आप को संभालते हैं। क्या कभी ऐसा कोई आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई, या कभी ऐसा लगा हो कि आप निराश हैं, बहुत ज्यादा हताश हैं, उस वक्त आपने कैसे अपने आप को बनाकर या उस वक्त खड़ा किया आपने अपने आप को? बिल्कुल, रोज ही होती है ऐसी चीज, कभी खुशी लगती है, कभी गम लगता है, कभी कुछ लगता है। अगर ये नहीं लगेगा तो जीवन ही नहीं है। पर उस समय अपने को उस समय को अवॉइड करना चाहिए कि समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान, ये चाहे तो सब कुछ दे दे, ये चाहे तो सब कुछ ले ले, ये चाहे तो खेल खिला दे, ये चाहे तो तुझसे खेले, ये चाहे तो महल बना दे, ये चाहे तो कर डाले हर जर्रे को शमशान रे साथी। समय बड़ा बलवान, ना दुख में तू दुखी हो साथी, ना सुख में तू सुखी हो साथी, दोनों को हाँ दोनों को समझ ले एक समान रे साथी, समय बड़ा बलवान। और आजकल की परिस्थितियों पे एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि क्या है तेरा क्या है मेरा, एक पल का है रैन बसेरा, काहे घबराता है साथी, हो सकता है नया सवेरा, जन्म मरण के चक्कर में पड़ क्यों आज को खोता है, पल पल ही क्यों नीर बहाता, हर पल ही क्यों रोता है, क्या है तेरे बस में साथी, जो होना है होता है। तो समय बड़ा बलवान होता है, और इसको भी रहने दे चाहे, उसको भी रहने दे चाहे, उसको तो बिल्कुल रहने दे जो तुझको बिल्कुल ना चाहे, पर उसको तो पहचान रे साथी, अपनों को तो पहचान रे साथी, समय बड़ा बलवान। ये मैं भजन भी लिख देता हूँ कुछ भी है? जैसे हर मूड, जिस समय जो मूड आया, मान लो मुझे उदासी है तो मैं उदास लाइन लिख दूंगा, ह्यूमर आया तो ह्यूमर लिख दूंगा, कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता है। तो जो भी मोटिवेशन की लाइन आए तो मोटिवेशन लिखो, पोइट का या जो भी आदमी साहित्य में रुचि रखता है उसको जरूर लिखते ही रहना चाहिए, क्या पता कौन सी लाइन कहाँ काम आ जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि समय बड़ा बलवान होता है, समय की हमें कद्र करनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं पीके जी, आमतौर पर आजकल सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति एक्टिव है, लेकिन कुछ व्यक्ति इसका सदुपयोग करते हैं, कुछ व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन जिस जिसने भी सदुपयोग करा ना, वो ही उस पे शाश्वत रहेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे फिल्में देख लो, चाहे गाने देख लो, कोई क्षणिक थोड़ा सा चढ़ जाएगा, वो हो सकता है वो मिलियंस में हिट्स हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए अगर आपको बिल्कुल एक जगह रहना है तो आप ये समझ लो आपको अच्छी चीज ही करनी पड़ेगी। तो जो आपका साधना का प्रयास वो भी यही है कि साधना करनी पड़ेगी, सदी हुई चीज बोलनी पड़ेगी, और तभी जाके उसका असर आएगा। हो सकता है वो बहुत धीरे धीरे आए पर स्थायी रहेगा,
और लेकिन अगर किसी ने कुछ दिया, कुछ मान लो कहीं आजकल बच्चे सोचते हैं बॉन्डी गालियां दे देते हैं, अंग प्रदर्शन कर देते हैं, कुछ अप टू मार्क चीजें नहीं डालते, तो वो हो सकता है एक दो वीडियो उनके हिट हो जाए, लेकिन वो कंटिन्यू। राजस्थान में तो ये सारी चीजें जल्दी ट्रेन करती है, कहीं ना कहीं उल्टी सीधे चीजें जो डालते हैं वो जल्दी ट्रेन कर, वो तो अतरंगी चीज ट्रेन कर जाएगी, लेकिन उससे अतरंगी आ जाएगा फिर, लेकिन उसकी छवि वैसी बन जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो हमें आगे नहीं बढ़ना, हमारी संस्कृति को भी तो आगे बढ़ाना है। तो आप तो सुने, तो युवाओं को भी जोश होना चाहिए। युवाओं को जरूरी थोड़ी है कि आप कुछ गालियां बक के ही इंचेंट करो, या उनको बहुत ज्यादा मनोरंजक या उनको उत्साह भर सकते हैं। उनको दो लाइनें इस तरह से कह सकते हैं कि कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं, तो ये लाइनें भी हिट करेगी उसको। बिल्कुल। और उसको अच्छी चीज सुनाने को नहीं मिलेगी, तो कुछ भी देख के बेचारा अपने आप को हिट करेगा और उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, लेकिन लास्ट में उसको कुछ बनना कुछ नहीं है। अगर किसी को वाकई आगे बढ़ना है अच्छी सोच के साथ, तो सोच तो बढ़िया बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। और आप देख लीजिए, जैसे मान लो कुछ बहन बेटियों को गाली देंगे या उसको बद्दा बात करके उसको वीडियो हिट भी कर लेंगे, लेकिन अगर ये लाइन अगर आपकी हिट होगी कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू, तो इस लाइन को उनकी बहन भी स्वीकार करेगी, माँ भी स्वीकार करेगी, पत्नी भी करेगी, और भी उसके आसपास सराउंडिंग में उसकी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन अगर मान लो उसने गालियां बकी या कोई मजाक से उस महिला को नीचे दिखाने की कोशिश की, तो वो गलत बात है ना, और ज्यादा करेगा तो केस हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहीं ना कहीं दर्शकों को प्रभावित करने का आपने काम किया है। पीके जी, मेरा एक अंतिम सवाल है, चूंकि खास मुलाकात कार्यक्रम है और खास मुलाकात में खास शख्सियत की अगर जीवनी नहीं जाने तो फिर दर्शकों को कहीं ना कहीं ये लगता है। नहीं, बिल्कुल आज... खास बात पे इस बीच में छोटा सा कह देता हूँ कि मैं आम लेने गया था। अच्छा। तो मैंने पूछा भाई क्या भाव है, तो वो बोला कि 120 रुपया। तो हम तो पुराने आदमी, हम सोचे यार 20 रुपए किलो आते थे, 120 हो गए, ये आम थोड़ी है, तो खास है, इनका नाम बदलो। बहुत खूब। तो यही वाली बात है कि खास मुलाकात में, चूंकि आज पीके मस्त को सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त प्रवीण कुमार को कोई नहीं जानता था। कैसे आपने अपने आप को स्टैंड किया, कैसे अपने आप को बनाया, इसमें किसका श्रेय जाता है, परिवार का कितना साथ रहा, परिवार को कैसे लेकर साथ चले, ये भी हमारे दर्शक कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहते हैं। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, मेरी ड्यूटी का पार्ट था, मुझे अवेयरनेस करनी थी, तो ये एक सडनली अचानक जो होती है ना चीजें। बाकी सोशल मीडिया पे 2012 में हमने अकाउंट बनाया था, तो उसके 21,000 हुए थे 10 साल में जी। 22 तक, फिर 22 से अब 23 में 1.5 साल में ही लाखों में चले गए, मतलब पूरा सारे मिला लिया जाए तो 1 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। तो यूं वो फिर कुछ नहीं पता लोगों को क्या चीज अच्छी लग जाए। पहले मैं अपनी टेस्ट की चीज डालता था, तो जो सोशल मीडिया से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी टेस्ट भूल जाओ। आप ये देखो समाज का टेस्ट क्या है, उसको आप देख क्या रहे हो। अगर समाज में आपने बेस्ट चीजें दी तो बेस्ट ही रिटर्न आएगा। जैसे पहले मैं अपनी कोई कविता थी, मुझे लगता था ये बहुत अच्छी है, लेकिन वो किसी को गलत भी लग जाए, और कविता का, पोइट्री का, लाफ्टर का, किसी का 100 में से मान लो 5 लोग, 2 लोगों का टेस्ट हो, और वो 2 लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे। तो किसी चीज को, अब रोड का विषय मेरा ऐसा मिल गया मुझे अचानक की ड्यूटी की वजह से, तो उसमें रोड पे हर एक आदमी की, किसी की उंगली छिली है, किसी के घुटने छिले है, किसी की मुंडी छिली है, कोई तो जान नहीं दे दिया, तो ये ऐसा विषय मिल गया हमें यूनिवर्सल। और उसमें मुझे लगा कि मेरे मामा जी का बच्चा एक्सपायर भी हो गया था, उसने आईएएस के इंटरव्यू दिया था, तो आईएएस में अच्छी रैंक भी आई थी उसकी, पर वो एक्सपायर हो गया था, तो मुझे लगा कि अपन सब कुछ यूं ही कर रहे, मिथ्या है, तो अपन फालतू में ऐसी चीजें करें जो समाज को कुछ दे, कुछ जान बच जाए, तो किसी घर का चिराग रोशन हो तो 7 पीढ़ियां सुधरती है। तो हमने उस चीज को फोकस किया और उसका अच्छा रिटर्न आया, तो इतना प्यार मिला लोगों का कि इतना प्यार तो कहीं भी नहीं मिला। धीरे-धीरे वायरल हो गए। तो धीरे धीरे वायरल हो गए। फिर मेरी मम्मी बोली बेटा तू वायरल तो होगा, पर ध्यान रखना 7 दिन तक रहता है वायरल, तू पैरा से कर लेता रहा। लेकिन 7 दिन से कहीं ना कहीं ज्यादा चला ये वायरल। ये वायरल लंबा चल गया, अब तो कोई कोर्स कराना पड़ेगा टीबी का। बहुत खूब।
सच में बहुत अच्छा ये इंटरव्यू रहा, ये साक्षात्कार रहा, क्योंकि आप जिस तरीके से आज की जनता को, आज की जनरेशन को कहीं ना कहीं जागरूक कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि इसको ऐसे शब्दों में कहते हैं ना, बढ़िया, कि बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, समाज सेवा की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, जान बचाने की दुनिया में थोड़ा सा धंस लें, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस ले, थोड़ा तो हंस। क्या बात है, आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस ले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीके जी, साधना न्यूज को कीमती समय देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ठान ली था जी, कीमती। थैंक यू वेरी मच जी।